हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउटनेट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक और ये टॉपिक का नाम है फाइंडिंग नंबर ऑफ़ जीरोस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का या फिर किसी नंबर के कॉम्बिनेशन से मुझे एक सीरीज़ बनी हुई है, तो वहाँ हमें देखना होता है कि कितने जीरो अंत में आएंगे, नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है और हम इसको सीखेंगे कि कैसे आप जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि विदाउट पेन एंड पेपर यूज़ किए भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही स्मार्टली आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर हम लेते हैं। तो देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हमारा तरीका क्या है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेके उसको चेक करेंगे कि कैसे हमें वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। और हम पाएंगे कि हमें कोई भी नंबर दिया हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर दिए हो, सीरीज़ दे रखी हो, तो हम कैसे जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको। पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है 50 का फैक्टोरियल, हमें फाइंड करना है कि कितने जीरो आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं 5 × 2 करूं, तो ये क्या आता है, 10 आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखिए, जीरो फाइंड करने के लिए, तो आप कोई भी आपको सीरीज़ दे रखी हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, ठीक है, फैक्टोरियल्स में कुछ आपको वैल्यूज़ दे सकती हैं, तो आप क्या देखेंगे कि अगर आपको जीरो चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो देखिए, यानी कि डिसाइडिंग नंबर्स हमारे लिए कौन से होंगे कि हमें कितने जीरो आ रहे हैं, या तो 5 होगा या तो 2 होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, मिनिमम देखिए, अगर मैं आपसे कहता कि 5 × 2 है तो यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 × 5 × 2 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 2 यानी 50, यहाँ पे भी जीरो कितने आ रहे हैं, 1 जीरो आया। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि 2 और 5 में से कौन से नंबर कम टाइम्स पे आ रहे हैं, यानी कि अगर कॉम्बिनेशन बनेगा तभी वो 10 बन सकता है, यानी कि 0 तभी आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, यानी कि, और 5 की पावर यहाँ पर कितनी थी, 2, तो जिसकी भी पावर कम है उतने ही आंसर होंगे, यानी कि 1 जीरो बनेगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 था, यानी कि 1 जीरो। आप, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हम ये क्वेश्चन समझते हैं कि हमें ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50 का फैक्टोरियल, तो मैं लिख लेता हूँ 50 फैक्टोरियल। तो देखिए, 50 फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है, 50 × 49 × 48 एंड सो ऑन, ये 1 तक जाएगा, ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। तो देखिए, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल वाले दे रखे हों और आपको पूछ रखा हो कि कितने जीरो आएंगे, तो केवल आप क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि डिसाइडिंग फैक्टर 1 5 होता है, 1 2 होता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 50 फैक्टोरियल दिया है तो यहाँ पर 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, तो मुझे बड़ी वैल्यू से चेक करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी नंबर दिया हो, सबसे पहले आप 5 से चेक करिए, तो मैं 50 को 5 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 10। अब जो भी संख्या आई उसको फिर से 5 से डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2, तो यानी कि कितने जीरो आ गए, 10 + 2 यानी कि 12 जीरो आएंगे, ठीक है। 50 का फैक्टोरियल आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 12 जीरो होंगे, ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, तो ये मेथड हमें अपनानी है। मैंने यहाँ पे 2 से क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि 50 के फैक्टोरियल में लिखूंगा तो 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं डायरेक्टली 5 से चेक कर लेता हूँ, तो 5 से चेक किया मैंने तो कितने जीरो आ गए, 10 + 2 = 12, ओके। देखिए, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, इसको इरेज कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 नंबर और ले रखे हैं, 150 का फैक्टोरियल एंड 3000 फैक्टोरियल, ठीक है। 150 का फैक्टोरियल एक बार देखते हैं, सिमिलर जैसे अभी हमने 50 का फैक्टोरियल किया वैसे ही करना है, तो 150 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया, तो 30 जीरो तो ये हो गए। अब इस 30 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6, और ये 6 आपका फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 1 ही आ गया, तो ये कितना आ गया, देखिए, 36 + 1 मीन्स 37, ठीक है, तो 37 जीरोस होंगे
150 के फैक्टोरियल में। ये बात आप समझ गए। अब देखिए ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, तो आपको मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फाइव को देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ देखते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, देखिए 2 की पावर 135, फोर्थ देखना है, इंटू 5 की पावर 216। तो मैंने क्या कहा, आपको 2 और 5 ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जिसकी भी पावर कम रहेगी वही आंसर होगा, उतने ही जीरो आएंगे। तो देखिए 2 की पावर 135 था, 5 की पावर 216 था, तो आंसर क्या होगा 135, यानी कि 135 जीरो होंगे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 155 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर 155, यहाँ पर पावर सेम दे रखी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 155, यानी कि 155 जीरोस आएंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये मेरे आंसर हो गए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हमने इसमें इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि कैसे सिंगल डिजिट अगर दे रखा है, कॉम्बिनेशंस अगर दे रखे हैं, फैक्टर्स अगर मुझे यहाँ पर फैक्टोरियल पे दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने और भी टर्म्स ले रखे हैं, कुछ वैल्यूज़ ले रखी हैं सीरीज़ के फॉर्म पे, अगर मुझे मल्टीपल्स दिए हुए हैं तो उनमें देखते हैं हमें कैसे निकालना है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 × 10 × 15 × 20 एंड सो ऑन, ये 60 तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो 10 लिखा हुआ है इसको मैं क्या 5 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 15, 5 × 3 लिख लूँ, 5 × 4 लिख लूँ 20 को, एंड सो ऑन 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 5 × 12। ये मल्टीप्लीकेशन में है, देखिए ध्यान देना है आपको, ये गुणा किया जा रहा है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 की पावर 12 क्या कॉमन ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 की पावर 12 मैंने कॉमन ले लिया, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये देखिए ये 5 × 1 होगा, तो 1 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा 12 तक। मैंने आपसे क्या बोला कि एक तो मेरा 5 है डिसाइडिंग फैक्टर, एक 2 है। तो देखिए क्वेश्चन आपको अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में डायरेक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्टली 5 से चेक करके आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप 2 की पॉसिबिलिटी भी चेक करिए, यहाँ पर 5 की पावर 12 था और ये 1 × 2 × 3 × 4 × 12 तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं 2 की देख लूँ कि 2 कितने होंगे तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि 5 वाला मेरा आंसर आएगा या फिर 2 वाला आएगा। मैंने कहा जो भी छोटी पावर होगी वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने कहा 12 था तो 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 आया, 6 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3, ठीक है। 3 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये कितने हो गए, इसको मैं लिख सकता हूँ 6, 3, 9 और 1, ये यानी कि 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 12 × 2 की पावर 10, इस टाइप का कुछ बनेगा। तो मेरी देखिए, आप देखिए यहाँ पर 5 की पावर 12 है और 2 की पावर 10 है, कौन सी पावर छोटी है, 10 वाली, यानी कि यहाँ पे ये मेरा आंसर होगा, 10 जीरो होंगे इस पे, ये मेरा आंसर हो गया। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे कि आपको 2 की पॉसिबिलिटी भी चेक कर ली आपने ताकि आप करेक्ट आंसर निकाल सकें, और ये एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 18 फैक्टोरियल + 19 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मैं इरेज कर लूं पहले, तो देखिए 18 फैक्टोरियल + 19 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मैं आपसे कहता हूं यहां पे आप 18 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए अगर आप 18 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बच जाएगा 1 + 19, मैं ले सकता हूँ ना 18 फैक्टोरियल मींस 18 × 17 × 16 × 15 एंड सो ऑन 1 तक जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 19 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई 18 का फैक्टोरियल × 20। अब 18 के फैक्टोरियल को आप 5 से चेक कर लीजिए और ये 20 लिखा हुआ है तो ये कितना लिख सकता हूँ 5 × 4, ठीक है। 18 के फैक्टोरियल को आप चेक करेंगे तो देखिए 18 को फैक्टोरियल को मैं चेक करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर 3
फाइव की पावर थ्री यहाँ था और फाइव एक ये है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, फाइव की पावर फाइव है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, कितने जीरो आएंगे, फोर। ओके, कितने जीरो आ जाएंगे, फोर जीरो आ जाएंगे, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मुझे एट नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, टू की पावर नाइन मल्टीप्लाइड विथ 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ सेवन की पावर नाइन, फिर नेक्स्ट डिजिट आ जाती है थ्री की पावर नाइन प्लस थ्री की पावर नाइन मल्टीप्लाई विथ सेवन की पावर नाइन इंटू टू की पावर टेन इंटू फाइव की पावर वन प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर इंटू टू की पावर इलेवन इंटू फाइव की पावर 95। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि 5 की पावर कितनी आ रही है और 2 की पावर कितनी आ रही है। तो इसको मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9 है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा सेकेंड टर्म पे गए तो 2 की पावर 10 तो था, 5 की पावर 1 आ गया। ठीक है, यानी कि इस डिजिट में यहाँ पर ये 5 की पावर अगर 3 था तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, और देखिए आखिरी डिजिट पे 5 की पावर 95 है। 12 का स्क्वायर अगर आप देखते तो इस पे 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 10 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 था तो आप लिख सकते थे 4 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसका स्क्वायर भी था, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाती, 2 की पावर 4। ठीक है, तो देखिए मेरी सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 की पावर 1, तो मुझे ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि इससे इसमें कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएंगे, तो ये मेरा आंसर हो गया एक जीरो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को जहाँ पे आपको जीरो फाइंड करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड पे कुछ क्वेश्चन भी दे रखा था, 1000 का फैक्टोरियल आपको निकालना है कितने जीरोज होंगे, और वो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।